1857 के गदर में अगर किसी एक शख्स का किरदार अहम रहा तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी के साथ फ्रेंच समेत कई जबानों के जानकार थे। 1857 के गदर के वक्त वो घूम घूम कर राजाओं, नवाबों और क्रांतिकारियों को एकजुट कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला मौलवी डंका शाह, नक्कार शाह के नाम से जाने जाते थे, इसलिए शाह को 1857 के गदर का लाइट हाउस कहा जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह की पैदाइश 1787 में हुई। मौलवी अहमदुल्ला का खानदान हरदोई का रहने वाला था, लेकिन बाद में फैजाबाद में आकर बस गया। उनके पिता गुलाम हुसैन खां हैदर अली की सेना में एक सीनियर अफसर थे। मौलवी अहमदुल्ला ने दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता और कई जगहों के सफर किए और आज़ादी के लिए बीज बोए। मौलवी अहमदुल्ला और फजल खैराबादी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। उन्होंने 1857 के गदर के विस्फोट से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की जरूरत के लिए फतवा इस्लामिक नामक एक किताब में लिखा। ब्रिटिश सरकार कभी मौलवी को जिंदा नहीं पकड़ सकी। शाहजहांपुर के पुवैया के राजा जगन्नाथ सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपने महल में बुलाकर धोखे से मरवा दिया था।